हे गाइस, प्रियांशु दिस साइड एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक वायरस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक वायरस क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ नोटपैड ट्रिक। और ये जो वायरस होने वाला है ये एक हार्मलेस वायरस होगा, यानी कि ये वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम को या फिर आपके पीसी या फिर लैपटॉप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपको परेशान बहुत करने वाला है ये वायरस। तो गाइज, यहाँ पर मैंने डेमो के लिए एक वायरस बनाया है, मैं आपको पहले उसे दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से परेशान करेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को आगे देखना। सिर्फ एक लाइन की स्क्रिप्ट हम लिखने वाले हैं और उसी स्क्रिप्ट के थ्रू हम यहाँ पर वायरस को क्रिएट करने वाले हैं। तो यार, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि वायरस कैसा है। तो यहाँ पर एक फाइल आपको दिख रही होगी मेरे डेस्कटॉप पर, माय वायरस। तो मैं यहाँ पर इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसे ही लिखा हुआ है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसे ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लोज नहीं हो रहा है, और अगर मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ तो यहाँ से भी ये क्लोज नहीं हो रहा है, यू कैन सी। और गाइज, अगर आप यहाँ पर ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस फाइल को ही डिलीट कर देता हूँ और ये वायरस यहाँ से गायब हो जाएगा, ये वायरस यहाँ से मेरे सिस्टम से चला जाएगा, सो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। मैं इसे यहाँ से परमानेंट डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाता हूँ, और यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। और अगर मैं यहाँ पर इसे येस करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ से फाइल तो डिलीट हो चुकी है, लेकिन अगर हम यहाँ से वायरस को क्लोज कर रहे हैं तो वायरस अभी भी नहीं जा रहा है। सो गाइस, पहले मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वायरस को कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, मैंने यहाँ पर अपना वायरस जो है वो स्टॉप कर दिया है, और इसे स्टॉप कैसे करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के अंदर। सो गाइस, वायरस को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड के अंदर विंडो की प्लस आर की को एक साथ प्रेस करना है और यहाँ पर टाइप करना है नोटपैड। नोटपैड टाइप करने के बाद आपको सिंपली एंटर करना है, जिससे क्या होगा कि एक नोटपैड की न्यू फाइल आपके सिस्टम के ऊपर ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आपको सिर्फ एक लाइन की स्क्रिप्ट लिखनी है, आपको यहाँ पर टाइप करना है डू, डू के बाद आपको एंटर करना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स आपको यहाँ पर कंप्लीट टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पर MSGBOX ये टाइप करना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर डबल कोट स्टार्ट करना है। डबल कोट के अंदर आप जो भी अपने वायरस के अंदर जो भी उस पॉपअप मैसेज के अंदर सेंटेंस दिखाना चाहते हो या फिर अगर आप कुछ भी दिखाना चाहते हो तो आपको इन डबल कोट्स के अंदर वो टाइप करना है। सो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ भी यहाँ पर शो कर दूँ, सो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर डबल कोट को क्लोज करूँगा। डबल कोट को क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट को भी क्लोज करूँगा, और उसके बाद मैं एक बार और एंटर दूंगा, और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा लूप। अगर आप यहाँ पर लूप टाइप नहीं करते हो तो आपका मैसेज सिंपली क्लोज हो जाएगा एक बार में, लेकिन अगर आप यहाँ पर लूप टाइप करते हो तो आपका मैसेज लूप में चलेगा, यानी कि अगर आप उसे क्लोज करने की कोशिश करोगे तो वो बार बार रिपीट होगा। उसके बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे सिंपली। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ लोकेशन, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये फाइल आपके सामने डेस्कटॉप पर ही क्रिएट हो और आपके सामने ही सेव हो। तो यहाँ पर मैं फाइल का नेम रखता हूँ माई वायरस। माई वायरस रखने के बाद मैं यहाँ पर इसे कर दूंगा सेलेक्ट ऑल फाइल्स पर, और मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन दूंगा .vbs। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट का। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ से इस फाइल को क्लोज कर देना है। और गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो चुकी है माई वायरस के नेम से। सो अगर मैं अब इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ सो यू कैन सी यहाँ पर जो मैंने टाइप कर रहा था उन डबल कोट्स के बीच में यहाँ पर वो लिखा हुआ आ रहा है, और अगर अब मैं इसे क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यू कैन सी ये क्लोज नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस वायरस को कैसे स्टॉप कर सकते हो। इस वायरस को स्टॉप करने के लिए आपको सिंपली अपने टास्क मैनेजर के अंदर जाना है, आपको अपने टास्क बार पर राइट क्लिक करना है माउस को, और टास्क मैनेजर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। टास्क मैनेजर को सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे मैक्सिमाइज करना है, और आपको यहाँ पर एक प्रोसेस जो है वो यहाँ पर फाइंड करनी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। और जो प्रोसेस आप यहाँ पर फाइंड कर रहे हो वो वही प्रोसेस होगी जैसे कि आपके वायरस की प्रोसेस है, लाइक जैसे कि यहाँ पर ये बॉक्स बन रहा है इसी तरीके से वो प्रोसेस होगी। तो आपको सिंपली इसके ऊपर अपना राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ से इसे एंड टास्क पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एंड टास्क पर क्लिक कर दोगे यहाँ से जो है आपका वायरस स्टॉप हो जाएगा। यू कैन सी यहाँ पर मेरा वायरस स्टॉप हो चुका है। सो गाइज, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगा हो, कुछ नया सीखा हो, कुछ मजा आया हो आज की इस वीडियो में, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर देना।